वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा टेस्टी एंड बहुत ही ज्यादा यम्मी, बिकॉज आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ ईटिंग पिज्जा फॉर 24 आवर्स। एंड ये वीडियो आप सबने मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि दी प्लीज पिज्जा चैलेंज कीजिए। तो फाइनली आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके रिक्वेस्ट पर ईटिंग पिज्जा फॉर 24 आवर्स चैलेंज। तो पिज्जा खाना तो मुझे भी बहुत ही ज्यादा पसंद है, बट ब्रेकफास्ट डिनर लंच हर टाइम पिज्जा, पता नहीं कैसा होने वाला है हमारा आज का चैलेंज। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज अभी मैं करने वाली हूँ अपना ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट के लिए मैं घर पर ही पिज्जा बनाने वाली हूँ। लाइक सुबह सुबह कौन ऑर्डर करेगा पिज्जा, तो अभी मैं घर पर ही पिज्जा बनाऊंगी एंड पिज्जा बेस एंड सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में एंड पिज्जा बनाकर उसे खाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सो गाइज ये रहे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए पिज्जा बनाने के लिए। तो यहाँ पर है हमारे पास पिज्जा बेस, एंड ये रहा हमारा पिज्जा पास्ता सॉस, ये है रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, बटर, ये है मोजरेला चीज, एंड यहाँ पर है हमारे पास टॉपिंग्स में कैप्सिकम, ऑनियन एंड टमेटोज। अभी हम इसे ढक कर रख देंगे 10-15 मिनट तक एंड फिर हो जाएगा हमारा पिज्जा रेडी। 10 मिनट्स लेटर। तो गाइस ये रहा हमारा पिज्जा वाला ब्रेकफास्ट, एंड मैं जब इसे बना रही थी किचन में मुझे तभी से इसकी खुशबू से मेरे पेट में गुड़गुड़ 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 आवाजें आ रही थी। तो चलिए जल्दी से इस पिज्जा को टेस्ट करते हैं एंड फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। सब कुछ एकदम परफेक्ट बना है, लाइक ये ज्यादा क्रिस्पी भी नहीं हुआ है, एंड चीज टॉपिंग्स नमक हल्दी मिर्च सब ठीक है। एंड गाइस मैं बहुत दिनों बाद पिज्जा खा रही हूँ तो मुझे ये पिज्जा और भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। टू गुड गाइस, टू यम। अब हम खाते हैं अपना सेकंड पीस। तो गाइज मैं आराम से बैठकर अभी अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, एंड फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे नहाना है, फिर मुझे ऑनलाइन क्लास करना है, एंड फिर लंच के लिए पिज्जा भी ऑर्डर देना है। तो मिलती हूँ आपसे लंच टाइम पर। अभी फाइनली हो चुका है हमारा लंच टाइम, एंड सच बताऊं तो मैं लंच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज लंच में मैंने ऑर्डर किया है टिक्का चिकन पिज्जा, एंड वो भी लार्ज साइज में मैंने ऑर्डर किया है। पता नहीं खा पाऊंगी या नहीं, कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं, बट फिर भी मैंने ऑर्डर कर दिया है। देखते हैं, अगर पेट भर गया तो इवनिंग स्नैक्स स्किप कर दूंगी, डायरेक्ट डिनर ही करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना पिज्जा।
तो पहले ये सारे निकाल लेते हैं, ऑरिगेनो ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ माय ओ माय ओ माय, ओ सॉरी आपको तो दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, हमारा चिकन टिक्का पिज्जा, एकदम चीजी चीजी वाला। स्मेल भी बहुत जबरदस्त आ रही है गाइस, कांट वेट। तो गाइस अभी हम अपने पिज्जा के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगैनो। हाँ, मेरा मुंह एकदम पानी पानी हो जा रहा है गाइस। वीडियो बनाते वक्त भी डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर से शॉट लेना पड़ेगा। गाइस इसे देखकर तो मेरे मुंह में एकदम पानी आ जा रहा है। तो अब मैं लेती हूँ अपना फर्स्ट बाइट। Guys, amazing, super yummy, everything. बहुत tasty है guys, बहुत tasty. मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। And guys, ये टिक्का भी एकदम perfect बना है। अब थोड़ा cold drinks पीते हैं। गाइस आपको लगता है मैं इतना बड़ा पिज्जा खत्म कर पाऊंगी? वैसे मुझे भी नहीं लगता, बट देखते हैं, हाफ तो शायद खत्म कर ही लूं। लंच करने के बाद मुझे बहुत जोरों की नींद आती है, बट आज मैं सोने नहीं वाली, मुझे अपने प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो वो मैं कंप्लीट करूंगी एंड फिर शाम को देखते हैं। अरे मैंने सोच के रखा है कौन सा पिज्ज़ा मैं बनाने वाली हूँ, चॉकलेट पिज्ज़ा बनाऊंगी शाम को। अगर शाम को नहीं बनाए तो रात को भी बनाकर खा लेंगे डिनर में। सो गाइज मैं ये आधा पिज्जा ही कंप्लीट कर पाई, चार स्लाइसेस मैंने खाए हैं एंड मेरा पेट एकदम फुल होकर ढुल हो चुका है। समझ गए ना आप मैंने कितना खाया है। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ इवनिंग टाइम को या फिर डिनर टाइम को, पता नहीं, मिलती हूँ। तो गाइज अभी मैं लिख कर एकदम थक चुकी हूँ एंड अभी शाम के 5 भी बज चुके हैं एंड इस टाइम को मैं रोज चाय पीती हूँ, बट आज तो हमें चाय नहीं मिल पाएगा क्योंकि आज हम पिज्जा चैलेंज कर रहे हैं तो पिज्जा ही खाना पड़ेगा। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट पिज्जा। तो ये चॉकलेट पिज्जा की रेसिपी मैंने यूट्यूब पर देखी थी, तो सोचा ट्राई कर लेते हैं आज पिज्जा चैलेंज में, चॉकलेट पिज्जा बनाकर खाते हैं एंड देखते हैं कि कैसा लगता है चॉकलेट पिज्जा। तो चलिए बनाते हैं। तो गाइस चॉकलेट पिज्जा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर पिज्जा बेस और यहाँ पर मेरे पास है नटेला, यहाँ पर है नटीज, मंच, मिल्की बार और जेम्स। तो गाइज ये हो गया हमारा पिज्जा का चीज, मतलब मिल्की बार देकर हमने बना दिया है चीज एंड अब ये देंगे हम टॉपिंग्स, पिज्जा टॉपिंग्स। ये रहा
गया हमारा चॉकलेट पिज्जा। एंड सच बताऊं तो ये मुझे एकदम बर्थडे केक जैसा लग रहा है। ये जो हम लॉकडाउन में बर्थडे केक बनाते थे ना घर पर, ऐसे जेम्स वेम्स चॉकलेट्स वॉकलेट सब जुगाड़ करके, तो मुझे बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है। तो अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है हमारा चॉकलेट वाला पिज्जा। पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। आगे स्वाद। नो 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 मेरे मुंह का टेस्ट एकदम खराब हो गया, एकदम घटिया घटिया टेस्ट है गाइस। पता नहीं, बट स्नेहा को अगर पसंद आएगा तो वो खाएगी। अभी नहीं है, खेलने गई है वो, तो वो आने पर उसे भी टेस्ट कराऊंगी मैं। बट मैं तो और नहीं खा पाऊंगी गाइस, बहुत बेकार टेस्ट है, मेरे मुंह का एकदम टेस्ट ही खराब हो गया। इतना अच्छा पिज्जा मैंने खाया था लंच में, चिकन वाला पिज्जा, एंड अब ये डिनर में मुझे कुछ अच्छा खाना पड़ेगा, फिर मेरा मुंह का टेस्ट अच्छा होगा। मेहनत करके बनाओ और ऐसा लगे। वैसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पिक्चर परफेक्ट, बट खाने पर तो गाइज अभी हो चुका है हमारा डिनर टाइम, एंड मुझे भूख भी लग गई है क्योंकि इवनिंग को मैंने कुछ नहीं खाया था। जो खाया था लंच में खाया था बढ़िया सा पिज्जा, एंड इवनिंग को तो चॉकलेट पिज्जा वाला एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो गया। तो वो वाला पिज्जा मैंने स्नेहा को भी टेस्ट कराया था और चॉकलेट था इसलिए उसने एक स्लाइस तो खा लिया और बाकी वो नहीं खा पाई, उसे भी पसंद नहीं आया कुछ खास। एनीवेज अभी हम अपने मुंह का टेस्ट फिर से वापस लाएंगे एक बढ़िया सा पिज्जा ऑर्डर करके। तो मैं जल्दी से पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ एंड फिर आपसे मिलती हूँ पिज्जा आने के बाद। One hour later. आ गया रे मेरा पिज्जा आ गया। तो गाइस ये मैंने ऑर्डर किया है पनीर डिलाइट पिज्जा, तो देखते हैं कैसा है। ये देखिए गाइस पनीर डिलाइट पिज्जा, वाओ सो टेम्प्टिंग, दिख तो रहा है बहुत यम्मी। तो गाइस यहाँ पर मिला है हमें दो टमाटो केचप, तो हम केचप डालकर ये वाला पिज्जा खाएंगे आज। तो चलिए गाइज लेते हैं अपना फर्स्ट बाइट। यम्मी है। वो जो चॉकलेट पिज्जा खाकर मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया था, अब जाकर अच्छा हो गया है। चिली फ्लेक्स भी है, इसे भी डाल देते हैं। स्पाइसी अब इसे खाने में मजा आएगा, एकदम स्पाइसी। ये देखिए गाइस यहाँ पर छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे पनीर के पीसेस हैं। वैसे आपको पिज्जा में कौन कौन से टॉपिंग्स पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मैं अपना सेकंड स्लाइस खाती हूँ। वैसे गाइस आज मैंने इतना पिज्जा खा लिया है कि मुझे पिज्जा से नफरत हो गई है, मुझे लग रहा है लाइक अभी मैं कुछ महीनों तक पिज्जा की तरफ देखूंगी भी नहीं। नहीं, झूठ बोल रहा है। मतलब
आपको आपकी फेवरेट चीज भी बार 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 खाने को दिया जाएगा ना, तो आपको उस चीज से नफरत हो जाएगी गाइस। वैसे ही मेरे साथ भी कुछ हो रहा है आई थिंक। ये मेरा लास्ट स्लाइस है, लास्ट पिज्जा है, फिर मुझे कोई पिज्जा मत खिलाना। टेस्टी लग रहा है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो पिज्जा चैलेंज फॉर 24 आवर्स, एंड आप सबके लिए मैंने आज इतने सारे पिज्जा खाए हैं दिन भर, मुझे चॉकलेट पिज्जा भी खाना पड़ा, तो इस बात पर एक लाइक तो कर ही देना गाइज। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो गाइज। ऐसे खाली हाथ आप चले जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, तो सब्सक्राइब करके ही जाना। एंड हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पिज्जा पसंद है। एंड मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। We had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor.